हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंजलि रसोई दिल से में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सबके पसंदीदा दही बड़े, वो भी मिनटों में। जी हाँ, 15 मिनट में हम बिना दाल फुलाए बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम्स उड़द की दाल ली हुई है। इसे मैंने अच्छी तरह से पोंछ लिया है और साफ कर लिया है। इसे मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल दिया है। इसके साथ मैंने इसमें थोड़े से मेथी दाने और थोड़े से जीरे, जिन्हें ड्राई रोस्ट कर लिया है, सेक लिया है, और इसको अच्छी तरह से हम पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। आप देख सकते हैं, जैसे आपकी सूजी होती है उससे थोड़ा आपको और बारीक पीसना है। ये देखिए, लुक एट द कंसिस्टेंसी। इसके बाद हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसमें क्या डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हींग। हींग थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। और इसके बाद मैंने लिया हुआ है यहाँ पे लूकवॉर्म वाटर, हल्का सा गुनगुना पानी लिया हुआ है। उससे हम इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे, जैसे कि हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, उससे थोड़ा और ज़्यादा ढीला हम इसे गूंथेंगे, क्योंकि जो दाल है वो सोक करके पानी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी अपने अंदर। ये देखिए, इसे मैं अभी थोड़ा सा पानी और डालूंगी मैं। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से गूंथ लिया है और उसके बाद हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए, 15 मिनट बाद पानी अच्छे से सोख कर लिया है दाल ने। अब मैंने थोड़ा सा पानी और डाल के इसे अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट के लिए फेंट लिया है। ये देखिए, मैं इसे इस तरह से 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लूँगी, जिससे कि हमारी जो दाल है वो अच्छी से हल्की हो जाए। आप देख सकते हैं, इसके बाद मैंने इसे 5-10 मिनट के लिए रख दिया था ढक के। उसके बाद जब तक मैंने कढ़ाई गरम कर ली है, जैसे ही हमारी कढ़ाई में ऑयल गरम हो गया है, इसके बाद हमने एक के बाद एक करके इस तरीके से डाल दिए हैं। आप किसी भी शेप के बना सकते हैं, आप सर्कल शेप के गोल भी बना सकते हैं, राम लड्डू टाइप से गोल भी बना सकते हैं। अभी मैं इस तरह से दही बड़े बना रही हूँ। दही बड़े का असली टेस्ट मुझे इसी शेप में आता है, बीच से छेद वाले दही बड़े में। ये देखिए, इन्हें अच्छे से स्लो फ्लेम में अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, गोल्डन होने तक इन्हें सेक लेंगे, जिसमें कि ये अच्छी तरह से पक जाए। आप एक बैच कम से कम 9 से 10 मिनट ज़रूर सेकें, अदरवाइज आपके जो बड़े हैं वो ऊपर से तो पक जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। यहाँ देखिए, साइड में मैंने पानी भी बॉयल होने के लिए रख दिया है और इस पानी में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी हींग डाली है। ये पूरे मैंने बड़े सेक के रख लिए हैं। आप देख सकते हैं, पानी गर्म है। इस गर्म पानी में हम क्या करेंगे, 1 by 1 करके इन्हें अच्छे से सोक करेंगे। अगर आप इस स्टेप को स्किप करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी छाछ या दही में भी डाल सकते हैं बड़े, बट इस प्रोसेस के बाद आप बनाइए, काफ़ी सॉफ्ट और बहुत अच्छे होते हैं और सारा ऑयल पानी में चला जाता है। पानी से 5 से 10 मिनट बाद हमने दही बड़े निकाल लिए थे और उनको इस तरीके से एक बाउल में डाल के उसके ऊपर छाछ और हरी धनिया और मिर्च की चटनी डाल दी है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है। ब्लैक सॉल्ट डालने के बाद थोड़ा सा वाइट सॉल्ट डाला है और मेरा जो छाछ है वो अच्छा खट्टा है। इसे अच्छी तरह से नमक और चटनी, काले नमक को मिला देंगे हम। ये देखिए, हमारे दही बड़े तैयार हैं। इसे आप अच्छी तरह से इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, रेड चिली पाउडर और जीरे पाउडर के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।